नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 6.1 समझेंगे। थ्योरम में क्या होता है, तो आप लोग स्टैंडर्ड 9th में प्रूफ वाले थ्योरम पढ़े थे, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो समझने के लिए प्रूफ देने की जरूरत है, उसको हम थ्योरम बोलेंगे। इस वीडियोस में मैं सिर्फ थ्योरम समझाऊंगा। हाँ, थ्योरम का जो आगे पीछे का जो भी बेसिक नॉलेज है वो चैप्टर में हम समझेंगे, बट जो थ्योरम में यूज होगा वो थ्योरम में साथ साथ में मैं समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम आज थ्योरम 6.1 समझते हैं। इस थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। अब ये वर्ड आपके लिए नया है कि व्हाट इज प्रोपोर्शनलिटी, अदरवाइज व्हाट इज प्रोपोर्शन, तो वो अभी मैं आपको समझाता हूं। तो इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये थ्योरम थेल्स नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बनाया था, इसीलिए इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। अदरवाइज उसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं। यानी एग्जाम में ये थ्योरम बहुत अलग अलग क्वेश्चन से पूछा जाता है। ऐसा भी पूछा जाता है कि थ्योरम 6.1 लिखो, सिर्फ इतना दिया हुआ हो तो ये पूरे थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये लिखने के बाद हमें थ्योरम शुरू करना है, बराबर। ऐसा भी कह सकते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखो तो भी स्टेटमेंट लिखने के बाद शुरू करो। ऐसा भी कह सकते हैं कि थेल्स थ्योरम लिखो तो भी स्टेटमेंट लिखने के बाद शुरू करो। ऐसा भी कह सकते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखो तो भी स्टेटमेंट लिखने के बाद ही शुरू करना है। अब मैं आपको स्टेटमेंट समझाता हूं। कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है कि स्टेटमेंट लिखा हुआ हो और कहा है कि ये थ्योरम प्रूव करो, अदरवाइज सिर्फ स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर सो एंड सो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बस सिर्फ इतना लिखा हुआ हो तो पूरा थ्योरम फिगर के साथ प्रूव करना है। अब ये जो हमारा स्टेटमेंट है, इसकी मैं सबसे पहले फिगर बनाता हूं, वो आप देखो कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, बराबर। तो चलो, यहां पर एक ट्राइंगल आप देख रहे हो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, चलो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन एक साइड को पैरेलल है, मींस लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट बीसी, ओके, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मींस लाइन एल इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट डी एंड लाइन सेगमेंट ए सी एट पॉइंट ई, ओके। हियर बी एंड ई आर मिड पॉइंट, दिस इज नॉट गिवन, मींस ये दिया हुआ नहीं है कि बी एंड ई मिड पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अदरवाइज यहां भी हो सकता है, मींस बी एंड ई मिड पॉइंट है, ऐसा कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है, ओके हाँ। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब देखो, ये डी एंड ई को ई में इंटरसेक्ट करती है, मींस लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट डी एंड ए सी एट पॉइंट ई, ओके। तो ये जो रेशियो हुआ ए डी एंड डी बी, तो ए डी एंड डी बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो ए एंड ई सी का होगा, बराबर। ये जो रेशियो इक्वल होते हैं इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, मींस दिस डिवीजन ऑफ दिस साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, मींस इक्वल रेशियो को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये प्रोपोर्शन वर्ड जब चैप्टर आगे चलेगा उसमें मैं ज्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगा, बराबर। देखो बच्चों, मैं जो थ्योरम यहां पर लिखता हूं वो आपको आपकी मेथड नोट में लिख देना है, क्योंकि मैं थ्योरम में डेटा मींस गिवन
टू प्रूफ एंड प्रूफ तीनों अलग अलग बताऊंगा। टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट प्रूफ करके डेटा और टू प्रूफ अंदर ही दिया हुआ है, बट यहां पर मैं वो चीज अलग से स्पेसिफाई करूंगा। बराबर। सबसे पहले डेटा, डेटा में जो दिया हुआ है इसको हम गिवन भी बोलते हैं। जो भी वर्ड आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। बराबर है। अब डेटा क्या है यहां पर, तो इन ट्राइंगल एबीसी लाइन पैरेलल टू बीसी, देखो इन ट्राइंगल एबीसी लाइन पैरेलल टू बीसी, ओके इंटरसेक्ट ये हमारी फिगर, हम जगह छोटी सी है इसलिए अलग कर देते हैं। इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, एबी एंड एसी, देखो एबी को डी में एंड एसी को ई में, मीन्स एबी एंड एसी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, ओके तो ये दिया हुआ है हमारा डेटा। इस थ्योरम को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डेटा टू प्रूव एंड प्रूव, और उससे पहले सबसे ऊपर फिगर ड्रॉ कर देनी है। अब टू प्रूव, हमें यहां पर प्रूव क्या करना है, तो देखो क्या प्रूव करना है, तो ये डिवीजन का रेशियो होगा ना वो इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। मींस एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। फिर से एक बार, एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ईसी। एडी डीबी को हम बीडी भी बोल सकते हैं, ईसी को सीई भी बोल सकते हैं, वो कोई अलग चीज नहीं है, ओके ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूफ लिख के हम शुरू करेंगे हमारा थ्योरम। तो सबसे पहले जो प्रूव करना है इसके लिए हम फिगर में थोड़ा नई चीज ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक बीई ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन भी हम कर सकते हैं, उसके बाद सीडी ड्रॉ करेंगे, ओके उसके बाद डीएम ड्रॉ करेंगे। और डीएम हमारा कैसा होगा, डीएम इज परपेंडिकुलर टू एसी, ये डीएम है ना एसी पर परपेंडिकुलर है, मींस 90 का एंगल बनाएगा, पर यहां पर ईएन ड्रॉ करेंगे, ईएन भी एबी को परपेंडिकुलर है, मींस ईएन इज परपेंडिकुलर टू एबी। बस अब जो जो भी हम करेंगे ना वो लिखते जाएंगे, दैट इज प्रूफ। यहां पर मैं वर्ड कंप्लीटली टेक्स्ट बुक के ही रखता हूं, उसमें जरूरत के हिसाब से चेंज करूंगा, ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, ओके तो देखो लेट अस जॉइन बीई एंड सीडी, एंड देन ड्रो लाइन सेगमेंट डीएम परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट एसी। डीएम ये परपेंडिकुलर की साइन है, उल्टा टी, परपेंडिकुलर टू एसी, एंड लाइन सेगमेंट EN
परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, अब ये चीज हमें समझनी है, कोई भी ट्रायंगल होता है ना तो उसका एरिया क्या होता है, तो उसकी फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट को हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो देखो ट्रायंगल में सपोज हम ये बेस लें, चलो ये बीसी ट्रायंगल है, हम एडी बेस ले, सॉरी बीसी बेस ले, तो उसका एल्टीट्यूड क्या होगा, एडी, ये परपेंडिकुलर होता है। सपोज हम एसी बेस लेते हैं तो बी में से यहां पर परपेंडिकुलर है बीई, और सपोज हम एबी बेस लेते हैं तो सी में से परपेंडिकुलर है सीएफ। बराबर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट मीन्स एल्टीट्यूड, बीसी बेस है तो एडी एल्टीट्यूड है, एसी बेस है बीई एल्टीट्यूड है, और एबी बेस है तो सीएफ एल्टीट्यूड है। अब देखो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल था, सपोज हमारा ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो तो एल्टीट्यूड बाहर भी आ सकता है, देखो ये एबीसी। अब सपोज बीसी बेस लेते हैं तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स है ए, तो ए में से बीसी पर बीसी हम ऐसे बाहर निकालेंगे, मींस लाइन बीसी लेंगे और उस पर परपेंडिकुलर होगा एडी, तो बीसी बेस एडी एल्टीट्यूड। मींस इन अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एल्टीट्यूड इज आउटसाइड ऑफ गिवन ट्रायंगल। ओके, हाँ राइट एंगल में क्या होता है वो मैं आगे समझाऊंगा बाद में, अभी उसकी जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब समझना ये हमारा ट्रायंगल एडीई है, सिर्फ इतना ट्रायंगल देखो, इसमें सपोज हम एडी बेस लेते हैं एडी, तो उसका एल्टीट्यूड क्या होगा, ई एन होगा, क्या होगा, ई एन, सो 1/2 इंटू एडी इंटू ई एन। अब आपका क्वेश्चन हो कि सर एई बेस ले सकते हैं, लेंगे अभी बाद में वही लेंगे, अभी सिर्फ इतना ही देखो कि हमें करना क्या है, प्रूव करना है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो सबसे पहले हम एडी का यूज करेंगे, उसके बाद डीबी का, उसके बाद एई का, बाद में ईसी का, फिर ये हमारा टू प्रूव आ जाएगा। ओके, यानी स्टेप बाय स्टेप हम सब में आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई ये पूरा लिखने की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ एडीई, ये हम स्टैंडर्ड 9th में सीख गए हैं, मालूम है ना, तो अब नेक्स्ट में शॉर्ट में लिखूंगा। तो यहां तक हमने क्या किया, देख लो डेटा टू प्रूव, एंड प्रूफ में बीई एंड सी डी लिया, एंड डी एन इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बस यहां तक हमने किया। अब मैं ये मिटा के आगे बढ़ता हूं, फिगर रखूंगा। तो चलो बच्चों, एरिया ऑफ एडीई इज इक्वल टू 1/2 इंटू एडी इंटू एडी इंटू ई एन, सॉरी एडी इंटू ई एन। ओके, ये हमने फाइंड कर दिया था। अब मैंने अभी समझाया, वैसे सबसे पहले एडी लिया तो अब बीडी बेस जाए ऐसा करना है। तो देखो यहां पर दिस इज अवर ट्रायंगल बीडीई। ओके, अभी मैंने सिखाया था कि सपोज ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ऐसे डी बी ई, बीडी बेस लेते हैं तो विच इज ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ बीडी ई, तो ई में से परपेंडिकुलर जो होगा वो हमारा एल्टीट्यूड मीन्स हाइट बनेगी, तो ई एन,
ओके। तो यहां पर आपको क्या देखना है कि अब बेस बीडी ले, बट ट्राइंगल कौन सा लेंगे, तो बीडीई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है सर ट्राइंगल बीडीई लिया इसकी जगह बीडीसी नहीं ले सकते, बट नहीं, देखो डीई कॉमन आए ना ऐसे लेना है ट्राइंगल, डीई कॉमन साइड आनी चाहिए, एडीई में भी डीई आया, बीडीई में भी डीई आया। अब ये क्वेश्चन होगा सर डीई कॉमन आए ऐसा क्यों, क्योंकि हमें एल्टीट्यूड यहां पर ईएन और यहां पर इस तरफ जाए तो डीएन ही मिले ऐसा ही करना है, यानी ट्राइंगल तो यहां बहुत सारे बनते हैं बट जो रिक्वायरमेंट जिसकी है वो ही लेंगे, मीन्स कौन सा ट्राइंगल लेना है ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है। सबसे पहले ईडीई, उसके बाद बीडीई, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू वन हाफ, अवर बेस इज बीडी एंड एल्टीट्यूड इज ऑल्सो ईएन, ओके। अब जैसे हमने लेफ्ट साइड काम किया इस तरफ, वैसे ही राइट साइड हम जाते हैं, तो देखो वंस अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी अब ये सेम ही है, बट अब हम बेस लेंगे एई मींस वन हाफ इंटू अवर बेस इज एई इंटू हाइट है डीएम, ओके। और उसके बाद इसी बेस लेने के लिए हम ट्राइंगल लेंगे डीईसी, कौन सा लेंगे डीईसी मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इज इक्वल टू वन हाफ इंटू अवर बेस इज ईसी एंड एल्टीट्यूड डीएम, ओके। अब देखो एक्चुअल में ये थ्योरम बहुत इजी है, यहां पर ये फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट है, रिजल्ट का हमने नेम नहीं दिया है, नेम अलग देंगे, बट ये चार एरिया हमने फाइंड किया तो जो फर्स्ट एंड सेकंड एरिया है उसका यूज करते हैं, उसको हम एक दूसरे के फ्रैक्शन में लिखते हैं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ बीडीई इज इक्वल टू वन हाफ इंटू एडी इंटू ईएन अपॉन वन हाफ इंटू बीडी इंटू ईएन। चलो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में दोनों में से वन हाफ कट हो गया, ईएन ईएन भी कट हो गया, बचा क्या एडी अपॉन बीडी, दिस इज अवर रिजल्ट नंबर वन, ओके। अब इसके बाद वही चीज एंड जैसे ये दो फ्रैक्शन में लिए वैसे थर्ड एंड फोर्थ एरिया भी हम फ्रैक्शन में लेंगे, मींस एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू वन हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन वन हाफ इंटू EC इंटू DM। वैसे ही DM DM कट वन हाफ कट क्या मिला AE अपॉन EC, ये हुआ हमारा रिजल्ट नंबर टू, मींस वी हैव गॉट रिजल्ट नंबर वन एंड टू, ओके। यहां तक अच्छी तरह देख लो, ये मिटा के मैं आगे बढ़ता हूं, देख लो आप, अगर ज्यादा जरूरत हो वीडियो स्टॉप करके देख लो। देखो बच्चों मैंने यहां पर रिजल्ट वन एंड टू वैसे ही रखा है, उसको मैं बाद में मिटाऊंगा, बट सबसे पहले एक चीज आपको बताऊं, स्टैंडर्ड नाइन्थ में हम पढ़े थे कि बिटवीन टू पैरेलल लाइंस मींस दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ही बेस हो
सपोज ये बीसी है, ऐसे दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, मींस ये हुआ ट्रायंगल एबीसी, ये हुआ ट्रायंगल डीबीसी, तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। कब? फिर से एक बार, दोनों ट्रायंगल का बेस एक ही हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में आए तो। तो इसको उल्टा कर दो, तो यहां दिखाई देता है आपको एक लाइन एल एंड लाइन बी सी आर पैरेलल, डीई सेम बेस है, तो दो ट्रायंगल बने, देखो बीडीसी सॉरी बीडीई एंड डीईसी, राइट। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया कैसा होगा? इक्वल। तो इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं, जितना मैंने बोर्ड पर लिखा है वो सब आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है। हाँ, अगर नोटबुक में लिखते वक्त जरूरत हो तो टेक्स्ट बुक साथ में रखना, नॉट दैट ट्रायंगल बीडी, देखो ट्रायंगल बीडीई, ओके, एंड ट्रायंगल डीईसी। ये सेंटेंस ज्यादातर स्टूडेंट थ्योरम लिखते वक्त भूल जाते हैं, तो ये अच्छी तरह से याद रखना है। डीईसी आर ऑन द सेम बेस, देखो सेम बेस है ना, आर ऑन द सेम बेस, ओके। तो सेम बेस कौन सा है हमारा? डीई, सेम बेस डीई, ओके। एंड बिटवीन, चलिए मैं मिटा देता हूं, द सेम पैरेलल्स, अब दो पैरेलल लाइन कौन सी है? तो डीई एंड बीसी, तो सेम पैरेलल्स डीई एंड बीसी। तो अभी हमने समझा कि दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर दो ट्रायंगल हो तो दोनों का एरिया कैसा होता है? इक्वल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। दिस इज अवर रिजल्ट नंबर 3, ओके। अब यहां पर देखो ये क्या है, बीडीई तो बीडीई, ये क्या है डीईसी तो डीईसी, तो ये दो डेनोमिनेटर इक्वल है तो दोनों का न्यूमरेटर भी इक्वल है, देख सकते हो आप, न्यूमरेटर तो पहले से इक्वल है, डेनोमिनेटर इक्वल है, तो ये दो रिजल्ट इक्वल हो गए, तो ये दो भी कैसे हो गए? इक्वल, मींस एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अब जगह कम है मैं मिटा देता हूं, देखो फ्रॉम रिजल्ट 1, 2 एंड 3, मींस रिजल्ट 1, 2 एंड 3 का यूज करके दिस टू आर इक्वल, मींस एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये हमारा थियरम यहां पर प्रूव हो गया, बराबर। एक बार टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह से देख लेना, और जब भी थियरम कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक ऐसे वर्टिकल हाइट वाला एक पिलर बना दो, उसमें ऐसे कलर कर दो, ओके। दिस इज अवर थियरम 6.1, द फंडामेंटल थियरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये अच्छी तरह से माइंड में बिठा लो, ओके। गुड बाय।